हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए कुछ। अब देखो, बनाती हूँ तभी दिखा दूंगी। कॉफ़ी का पैकेट रखा था तो देख के मन कर गया कि चलो आज कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो उसके लिए फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में आइस क्यूब रखे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर एक गिलास ठंडा दूध लिया है, छोटा गिलास, और उसमें एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है और दो चम्मच शुगर, दो से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि मीठा अच्छा लगता है। और आइस के इसमें कोल्ड कॉफ़ी में जो सबसे मुझे फेवरेट चीज़ है वो थी आइसक्रीम। आइसक्रीम थी नहीं तो मैंने चॉकलेट डाल दी, एक डेयरी मिल्क, और बाद में ये आइस डाल के इसको अच्छे से मैंने मिला लिया। और मैं यहाँ ना डरते डरते मिक्सी चला रही हूँ क्योंकि नाना जी घर ही में अभी पूछने लगेंगे क्या बनाया उनको ना, ये बर्फ और ठंडी चीज़ें ज़्यादा उनके सामने। ये बन गई मेरी टेस्टी टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी, जो कि मैंने इस सीज़न की पहली कॉफ़ी बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। और आप लोगों ने भी अभी नहीं बनाई होगी, ट्राई नहीं किया होगा, मैंने आपको बना के दी, टेस्ट कीजिए। और बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है, टेस्ट भी अच्छा होगा क्योंकि जो मामी के बेबी आने की खुशी में तो हम मुँह मीठा कराएं कोल्ड कॉफ़ी से। अरे नानी तो डर गई, तुम तो डर गई क्या है? अरे कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी गर्म दूध के साथ बनाते हैं ना, ऐसे मैंने ठंडे बर्फ और ठंडे दूध के साथ बनाई है। और अभी घर पर आए हैं ये पंडित जी, क्योंकि जो बेबी आया उसके बारे में सब पूछना था नाना जी को। और नाना जी की ना तबीयत ठीक नहीं थी कि वो पंडित जी के घर तक पहुंच पाते, क्योंकि उनका घर ना काफ़ी दूर है यहाँ से। पहले पास में ही रहते थे लेकिन अब काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, मतलब कि नया उनने मकान बनवाया ना तो थोड़ा सिटी से आउटसाइड है। तो फ़ोन कर दिया था कि आप यहीं आ जाओ, और कोई होता मामा वगैरह तो स्कूटी से ले आते। तो ऑटो से पंडित जी आए, तो बस वही जो मामी का बेबी हुआ है ना उसी के नाम नक्षत्र और जो पता नहीं है, 2 घंटे से ना यही सब चीजें पता कर रहे हैं। और कल के वीडियो में ना बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि मामी को क्या हुआ है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो ये ना मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आपको मामी खुद ही बताएंगी। सब चीज छोड़ के खुशी बस इस बात की है कि मामी ने बहुत लंबा इंतजार कराई थी। यहाँ मामी को गए 2 महीने हो गए थे, और सब लोग मतलब कि जब 9 महीने से ज़्यादा हो गए ना तो टेंशन करने लगे थे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो कुछ नहीं, 2 दिन के अंदर सब सॉर्ट आउट हो गया और सबके चेहरों पे स्माइल आ गई। नानी जी के पैरों में दिक्कत है, बैठ नहीं पाती हैं, लेकिन उनको ना काम बिना चैन भी नहीं पड़ती है। और बोल रही थी कि ये सारे काम अभी कोई है नहीं है, फ्री हैं, हो जाएंगे। दिक्कत बहुत होने, मैंने ना 3-4 महीने से उन्हें नीचे बैठने में बैठे नहीं देखा है, क्योंकि वो नीचे बैठ ही नहीं पाती हैं, कुर्सी में ही बैठती हैं। लेकिन फिर भी बोल रही थी, पता है एक आपको, जब से मामी गई हैं तो मामी के जाने के बाद कह रही थी नानी कि जब मामी आएंगी तो उनके पास तो काम हो जाएगा, वो अपने बच्चे को देखेंगी या घर का काम करेंगी और या ये करेंगी, हमसे जितना बनेगा हम कर ले रहे हैं। एक टंकी तो गेहूँ इन्होंने धुलवा के रखवा दिया ताकि मामी को 4-5 महीने कुछ ये काम ना करना पड़े, बस किचन किचन का ही काम करना पड़े। चने नए आए थे, इसको भिगोया, भिगोने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद फिर इसको वो चकिया बोलते हैं, चकिया में दरा,
ये सारा काम नानी कह रही थी देओल नहीं है, देओल ख़त्म हो गए हैं, बनाने हैं, मन नहीं मानता उनका, लगी रहती है साथ में। फिर मैं भी थोड़ा बहुत करा लेती, लेकिन चकिया तो मुझसे नहीं चली थी। मैंने थोड़ा ही देर उसको घुमाया, मेरे कंधे घूमने लगे थे, बैठे बैठे ये काम तो नानी कर लेती हल्के हल्के, लेकिन फिर भी उनको ध्यान देना पड़ता है। तो साथ में पूरे काम कराती हूँ ताकि नानी ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन उनको क्या है कि मन नहीं मानता है। वो कह रही है कि मामी जब आए ना तो ये सारे काम हो चुके हों। मैंने कहा ठीक है चलो मैं करा देती हूँ सारे। और दोपहर में खाली थी, थोड़ी देर लेटी थी, तो मन किया कि चलो वीडियो कॉल लगाते हैं, मामी लोगों से बात करते हैं। तो बस शिवानी मौसी से बात हुई, मामी से बात हुई यहाँ पर, और मामी बोल रही थी शिवानसी को भेज दे। तो शिवानसी से पूछा मैंने कि आ जाओ शिवानसी, तो शिवानसी बोल रही नहीं हमें नहीं आना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम्हारे भैया को बुला लेंगे, तुम वहीं बनी रहना। तो कह रही नहीं मैं तो भैया के साथ रहूँगी। और यहाँ पर नानी बैठी थी, तो मैंने कहा नानी मेरे भैया बालों में थोड़ा सा ऑयली लगा दो। नानी के हाथों ही से आता है सच में। नानी थोड़ा सा भी अपने हाथों से ऐसे कर देती है ना, तो बड़ा रिलैक्स मिल जाता है मुझे। अपने हाथ से कभी लगा तो लेती हूँ, लेकिन संतुष्टि नहीं होती कभी भी ना, ही एकदम रिलैक्स मिलता है। बस ये होता है कि ऑयल चला गया बालों में। देखो जब रात में आती है तो शिवकली कैसे छत में घूमती है, ये देखो दौड़ लगा के गई। उनको पता नहीं है कि जिससे हम डर रहे हैं वो कदम रखने से पहले ही हमसे डर जाता है। और अभी हमारा खाना हुआ है, और मैंने नानी ने थोड़ा लेट खाया, नाना तो 7 बजे ही खा लेते हैं, वो 7 बजे के बाद नहीं खाते हैं क्योंकि उनको दवा वबा लेनी होती है। और खाना खाने के बाद वो सीधे लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें इतना भयंकर दवा का असर रहता है, वो उनको नींद ही आ जाती है जब तुरंत लेट जाएंगे, फिर दवा खाएंगे फिर लेट जाएंगे इस तरह से। और खाना ना होने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थोड़ी देर पढ़ाई करने, क्योंकि दिन में अगर सो जाती हूँ ना 2 घंटे की नींद लेती हूँ तो फिर रात में जल्दी नींद ही नहीं आती है, 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश है जो मेरा एक समय पर कंटिन्यू चल रहा है इंग्लिश का कोर्स। यहाँ पर ना मुझे दुकान वालों के जैसे चने भूंजने थे, तो मैंने रेत गरम किया उसमें चने डाले, लेकिन वो ना बिल्कुल भी दुकान वालों के तरीके नहीं भूजे थे, सारे चने जल गए थे, पता नहीं क्या हुआ था। होता ना तो रात में ही फोन आ गया था, मैं तो सो रही थी, मेरे में ना इतनी सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी, मैं जब जागी तब देखा, लेकिन नाना के मैं लगाया फिर नाना ने उठा लिया, मैं नहीं उठाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मुझे फोन का पता ही नहीं रहता। मामा के 12 मिस कॉल डली थी जब मैंने देखा आधा घंटा बाद, और नाना के मैं फिर लगाया होगा उन्होंने, तो नाना जी ने उठा लिया था। तो नानी नाना को तो रात में ही पता चल गया था, है ना नानी? हाँ, तो देखे एकदम से रात में पता ही नहीं चला, मतलब कि मौसी लोग गई अस्पताल ले गई, कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं पता चला, अस्पताल ले गई। उसके बाद दूसरे दिन रात में फोन आ गया ना, सब कुछ हो गया, खुशी हो गया ना नानी? नानी को खुशी है, लेकिन बेचारे क्या करें अपने शरीर से परेशान है, सबसे दुखदायी तो शरीर है। खुशी तो है ही है, चच्चा बच्चा सही निपट गए, सबसे ज्यादा चिंता भरी थी, सबसे ज्यादा तो टेंशन नानी ही होती जब से मामी गई है ना, एक दिन नहीं अटकता था कि ना आ जाए, सही सलामत निपट गए, यही अच्छा ही है, सबसे सुख तो यही है, कभी दिक्कत ना आई, नहीं दिक्कत आ जाती तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाती। हाँ, ऐसी स्थिति होती जा रही थी ना, टाइम बढ़ता जा रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, टाइम ज्यादा हो रहा हो लाइट चली गई आँखें कैसी हो रही है, नींद सी आ रही है, रात की नींद नहीं आई है ना, लाइट चली गई। देखो जैसे हुई जाए अच्छे से हुई जाए, अच्छे अच्छे अपने घरे आ जाए, यही टेंशन भरी थी, अब चलो ठीक है, बढ़िया नहीं पड़ेगा। नानी तो आप जाओगी कहाँ? मई मौसी के पास। आप कहाँ जाएंगे? मामा कह रहे थे ना कि जब वो मेन टाइम आ जाएगा, कुछ हो आ जाएगा तो फिर ले जाएंगे। जाएं तो ये जाएं तो कह रहे थे जाएं के लाने, जब हो जाएगा तब तो चले जाएंगे,
उम्मीद तो बहुत करी थी, पर सबसे ज्यादा तो यहाँ देख के बोलो तुम शरीर में परेशानी है, शरीर तो नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से है। अगर अब उम्मीद करेंगे अगर जाने लायक होगी तो चले जाएंगे, अभी तो है टाइम। पर हूँ नहीं सह कि सब बिटिया है और तीनों चारों सब सब संभाल ली ने सब देख रेख सब करी बिटिया, और यही चीज चिंता वाली बात नहीं है। और अब जान पकौनी वाली है अब भी जा सकते हैं, पर कारण जो है कि टेम्पू उतार देती बाहर और टेम्पो ते गाड़ी तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, चलने चलने का बहुत पड़ जाते हैं, ये उस तरफ उस तरफ चल बात नहीं है, सबसे दिक्कत यह है हमें सबसे मजबूरी है। और कितना वो हो गाड़ी तक कौन बांध जात नहीं है, मैं यहाँ तक मोटरसाइकिल लग तो जाती है। लेकिन मैंने तो मामी का जो भी बेबी है मैंने तो देख लिया था, क्योंकि मौसी ने वीडियो भेजा था तो मैंने नानी ने तो देख भी लिया है। और बस इसी के साथ करूँगी अपना आज का वीडियो एंड। और मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया आज का वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।